हिंगनघाट में लेक्चरर अंकिता को जिंदा जलाए जाने की घटना शाम पीने हुई, तो वहीं नागपुर जिले के सावनेर में एक महिला डॉक्टर पर एसिड अटैक होने की घटना सामने आई है। महिला डॉक्टर नागपुर के मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट लेक्चरर है। पुलिस ने अटैक करने वाले आरोपी नीलेश कानेरे को गिरफ्तार कर लिया है। इस हमले में महिला डॉक्टर समेत एक महिला और दो बच्चियां जख्मी हुई है। दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक रिलीज होने के बाद एसिड अटैक होने की कई घटनाएं सामने आ रही है। दिसंबर माह में गोंदिया जिले में एक इंजीनियरिंग छात्रा पर एसिड फेंका गया था। वहीं हिंगनघाट में लेक्चरर अंकिता पिसोदे को पेट उल्टा कर जिंदा जला दिया गया। इस हमले में अंकिता की मौत के बाद पूरे राज्य भर में लोगों का गुस्सा फूट रहा है। वहीं गुरुवार को सुबह नागपुर जिले के सावनेर तहसील के पहले पार में महिला डॉक्टर पर एसिड की तरह कुछ जानलेवा द्रव्य फेंके जाने का मामला उजागर हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार नागपुर मेडिकल कॉलेज की टीम नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नैको इस प्रोजेक्ट के लिए पहले पार गांव गई थी। इस प्रोजेक्ट के जरिए एड्स का सर्वे किया जा रहा था। मेडिकल कॉलेज की असिस्टेंट लेक्चरर और उनकी टीम गांव के कुछ नागरिकों से बात करी थी। इसी दौरान एक युवक उनकी ओर हाथ में कुछ ले आता दिखाई दिया, जिससे महिला सतर्क हो गई थी। लेकिन देखते ही देखते उस युवक ने महिला पर एसिड जैसा द्रव्य फेंका, लेकिन महिला ने युवक को आते हुए देखा इसलिए वो पीछे हट गई। फिर भी महिला के हाथ पर एसिड के छींटे उड़ने से वो जख्मी हो गई है और उसका चेहरा भी बाल बाल बच गया है। जबकि वहीं मौजूद एक दूसरी महिला के ऑटो पर साथ ही दो बच्चों पर एसिड के कुछ छींटे उड़े, जिससे वो जख्मी हो गए। पुलिस ने इस मामले में आरोपी नीलेश कानेरे नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी से कड़ी पूछताछ जारी है। आखिर आरोपी ने महिला पर हमला क्यों किया? इस हमले में जख्मी हुई महिला डॉक्टर समेत दो बच्चों को और एक महिला को नागपुर के मेयो अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। हिंगनघाट अग्निकांड के बाद अब सावनेर में महिला पर एसिड हमला होने से खलबली मची है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ एकता घेरभा की रिपोर्ट। अभी आप अपना लोकप्रिय चैनल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी लाइव देख पाओगे। इसके लिए अपने एंड्रॉइड फोन से संबंधित ऐप पर जाकर इनबीसीएन सर्च कर फॉलो करें और अपने मन पसंदीदा साथ ही शहर में हो रहे सभी खबरों पर कभी भी बैठकर देखें।